यूरिन बाहर नहीं आ सकता, तो उस क्लॉट को बचाने के लिए, क्लॉट ना बनने पाए, हम यहाँ से क्या करते हैं, ग्लूकोज की बॉटल टांग देते हैं, नहीं नॉर्मल सिरिंज की बॉटल टांग देते हैं, नॉर्मल सिरिंज को इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ से नॉर्मल सिरिंज जा रहा कंटिन्यू और यहाँ से निकल के आ रहा है। नॉर्मल सिरिंज के कारण से ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, जब क्लॉट नहीं बनता है तो ब्लड यहाँ पे फंसेगा नहीं, ट्यूब के अंदर फंसेगा नहीं, तो यूरिन आता रहेगा, एक चीज। दूसरा, नॉर्मल सिरिंज जा रहा है वो पानी जैसा होता है, कलरलेस, और यदि ये रेड कलर का यहाँ से यूरिन आ रहा है, इसका मतलब ब्लीडिंग कंटिन्यू है। 24 घंटे बाद देखते हैं नॉर्मल सिरिंज जा रहा है जिस कलर का, उसी कलर का निकल रहा है, यानी ब्लीडिंग बंद हो गई है। ठीक है, तो ब्लीडिंग बंद हो गई, फिर नॉर्मल सिरिंज देना, पुश करना बंद कर देते हैं। ये थ्री वे कैथेटर कहलाता है, टू वे कैथेटर और थ्री वे कैथेटर, ये भी आगे चल रहा है। जैसे जब यूरिन निकल रहा है उसी समय सिरिंज चलता रहेगा, यूरिन निकलता है।